विद्युत मंडल में अनियमितता और मनमानी का आरोप लगाते हुए भिलाई जिला भाजपा एवं इनकी अन्य शाखाओं द्वारा शुक्रवार को सुपेला जोन के 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड स्थित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के सहायक अभियंता कार्यालय का घेराव कर जंगी प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं के इस प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिले द्वारा लोगों की मूलभूत समस्याओं, शिकायतों के निराकरण, शहरवासियों की बातों को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुँचाने निरंतर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नगर निगम कार्यालय में भिलाई जिला भाजपा द्वारा किए गए प्रदर्शन के उपरांत शुक्रवार को भिलाई जिला भाजपा के अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यालय सहायक अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल सुपेला जोन का घेराव कर प्रदर्शन किया गया, साथ ही धरना भी दिया गया। विद्युत मंडल कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने के पूर्व भाजपा के कार्यकर्ता एवं समस्त पदाधिकारी बैकुंठ धाम स्थित मंदिर परिसर में एकत्र हुए। जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचने के उपरांत सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां भाजपा अध्यक्ष और जिले के पदाधिकारियों द्वारा उपस्थित सभी महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाजपा पदाधिकारियों के संबोधन के पश्चात बैकुंठ धाम मंदिर परिसर से सभी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पैदल गौरवपथ स्थित विद्युत मंडल के कार्यालय पहुंचे। यहां विद्युत मंडल कार्यालय परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रवेश करने से रोकने पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए थे, जिसे नीचे गिराते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से कार्यालय परिसर में प्रवेश किया। प्रवेश करने के उपरांत विद्युत मंडल की कार्यप्रणाली को लेकर जमकर नारेबाजी भी की गई। यहां भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही नारेबाजियों और धरना प्रदर्शन के पश्चात यहां मंडल के पदाधिकारी उपस्थित हुए, जिन्हें भाजपा नेताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में विभिन्न मांगों को पूरा करने को लेकर उल्लेख किया गया था। भाजपा नेताओं की अधिकारियों से काफी वक्त तक चर्चा भी चलती रही। यहां अधिकारियों को विद्युत संबंधी परेशानियों से अवगत कराया गया और उसके शीघ्र निराकरण करने की मांग की गई। भाजपा भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया एवं महिला मोर्चा की संगीता केतन शाह ने धरना प्रदर्शन और घेराव को लेकर जानकारी दी। देखिए, विगत 4-4.5 साल से ये जो झूठे वादे किए जा रहे हैं और जिससे जनता को बहुत ही दिक्कत है, हम सभी पीड़ित हैं। एक तो रेट्स को लेके हैं, वो बोले थे आधे कर देंगे, वो कुछ भी नहीं हुआ इस तरीके से। और लाइट का तो आप लोग सभी समझ रहे हैं, क्योंकि हम वार्ड वार्ड में जाते हैं और हर जगह दौरा कर रहे हैं। बिजली की बिल्कुल जो है ना पूर्ति होती ही नहीं है, बहुत ही बुरा हाल है। आज का ये आंदोलन सिर्फ जनता की बातों को रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाया और उम्मीद है आने वाले सालों में जो है ये इम्प्रूव करेंगे, नहीं तो हमारा तो कमल आएगा ही और हम जो है जनता का। और देखिए, शांतिपूर्ण नहीं है ये प्रदर्शन, तो उग्र तो हुआ ही नहीं, ये बहुत ही शांतिपूर्ण है। हम बात रखना चाहते हैं, वो भी कहीं पे बंधे हुए हैं, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। ज्ञापन सौंप दिया गया है और उन्होंने बोला है इस पे वो बात करेंगे और इस पे ज़रूर कार्रवाई करेंगे। जाएंगे हम, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेंगे एक दो दिन के अंदर, और हम जनता को अगर खुश है तो हम भी बधाई देंगे जनता को, लेकिन सवाल रखेंगे कि आपने जो किया है उसमें क्या क्या लो पोल हैं और जनता को कहाँ कहाँ, एम्प्लॉई को कहाँ कहाँ उसका नुकसान होने वाला है। आपने 220% उसमें एक्सटेंशन की बात की है, 20% आप एक्स्ट्रा बना सकते हो, लेकिन जिन्होंने बनाया है उसका व्यवस्थापन आप किस रेट में करोगे? उसका जो निगम का प्रॉपर्टी टैक्स है वो कौन देगा, वो किस रेट पर लगेगा? ये सारे मुद्दे क्लियर क्यों नहीं है? हमारी प्रमुख मांगे ये हैं कि जो बिजली का बिल हाफ करने की बात भूपेश बघेल ने की थी, वो अब डबल हो गया है। बीच बीच में ये टैरिफ का रेट बढ़ाते रहते हैं और जो बिजली कटौती हो रही है जिससे जनता परेशान है। आज बिजली का बिल का जो कनेक्शन लेने जाते हैं, अगर लीगल फीस 1000 रुपये है तो 2000 रुपये ऊपर से देना पड़ता है। इसके अलावा जब से इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को सौंप दिया है तो उसके रिपेयर में बहुत दिक्कत आ रही है। आज खंभे से गड़बड़ी होती है तो सुधारने की जिम्मेदारी बोलते हमारी है, खंभे के अंदर की बात है तो हमारी नहीं है, और अगर उनको 200 रुपये का नोट दो तो आपकी समस्या दूर कर देते हैं। इस तरीके से पूरी तरह से लूटमार मची हुई है, क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। लाइट कट होने की वजह से पूरे गर्मी में लोग परेशान थे, बच्चे परेशान थे, जिनके बच्चों के एग्जाम चल रहे थे उनको भी दिक्कत हो रही थी लाइट नहीं होने की वजह से। इस प्रकार से पूरे विधानसभा क्षेत्र में भेदभाव का रवैया अपनाया जा रहा है और यहाँ की जनता को तंग करने का काम भूपेश बघेल के द्वारा किया जा रहा है, जिसका हम भरपूर विरोध करेंगे
आज हम सड़क पर खड़े हैं उसका विरोध करने के लिए, आगे जरूरत पड़ेगी आगे भी विरोध करेंगे। इस भ्रष्ट सरकार को हम रहने नहीं देंगे। 4500 लोगों को लीज दी जा रही है, वो आज तक याद क्यों नहीं आई इनको, आज क्यों याद आई है? अरे हम तो अपना काम निरंतर कर रहे हैं, ये चुनाव के हिसाब से काम कर रहे हैं, हम चुनाव के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। और लीज वाले मामले में कोई इनसे पूछे कि 4500 लोगों जिनको आप लीज दे रहे हो, मालिकाना हक की बात कर रहे हो, किसको मालिकाना हक मिल जाएगा? लीज एग्रीमेंट में कौन सी क्लाज आपने चेंज की है? सारी क्लाजें वही हैं जो BSP ने एग्रीमेंट में की थी, कोई नई क्लाज नहीं है, ना तो उसमें मालिकाना हक मिलने वाला है, और 30 साल की वो एग्रीमेंट है, आप उसको आज 23वें साल में क्यों कर रहे हो? या आज कर रहे हो तो आज की डेट से वो एग्रीमेंट होगा क्या? 30 साल आज से काउंट होंगे क्या? वो पब्लिक को उसका फ़ायदा मिलेगा क्या? केवल 7 साल बाकी हैं, आप नया एग्रीमेंट 30 साल बाद फिर होना है, और आप 7 साल बाद अभी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, उसके बाद वो फिर 7 साल बाद उनका एग्रीमेंट होगा और फिर उनको डबल चौबल पैसे देने पड़ेंगे। बहरहाल विधानसभा चुनाव नजदीक आने को है, ऐसे में भाजपा कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती। जनता से जुड़े प्रत्येक समस्याओं के निराकरण को लेकर भाजपा भिलाई जिले द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें काफी संख्या में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की एकजुटता देखने को मिल रही है। शुक्रवार को भी हुए धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्षों, पार्षदों के अलावा महिला मोर्चा की नेत्रियां भी शामिल रही। ट्रेंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।